रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज 26 जून है और आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर यूनिट नंबर 1 से है। कल हमारा टॉपिक था पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, आज उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। बेटे आपके साथ मैं स्लाइड शेयर खुद ही नहीं कर रही होती, आपके साथ मैं डायरेक्ट शेयर कर रही होती ताकि आप लोगों को लेक्चर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप लोग स्लाइड्स चाहते हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे ख्याल में तो जो अभी आपका ग्रेड 10 है आपका लेवल जो है वो उसके मुताबिक ठीक है कि आपको बुक के ऊपर ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक तो 12 अक्टूबर 1999 के फौजी कब्जे की वजूहात पढ़नी है हमने आज, और साथ हमने मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ का जो दौर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको डिस्कस करना है। ये जो हमने ऊपर कल पढ़ा था पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, कल हम लोगों ने जो पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत पढ़ा था ये हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौर के अंदर ही एक कह लें कि उनकी गवर्नमेंट के अंदर ही जो एक मेजर स्टेप लिया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान को एटमी ताकत डिक्लेयर करवा दिया गया, वो कल हमने उन्हीं के दौर के जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था। आज हमने ये डिस्कस करना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत किस तरीके से मार्शल का शिकार हुआ और उसके बाद फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर परवेज मुशर्रफ जो है उनकी इख्तियार या उनकी जो गवर्नमेंट है उनका टाइम पीरियड है वो कैसा गुजरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो बेटे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्शल क्यों लगा, ठीक है, मिलिट्री ने टेक ओवर क्यों किया गवर्नमेंट को 12 अक्टूबर 1999 में। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो बुक है उसमें सिर्फ 2 रीजन बताई हुई है, छोटी छोटी सी ब्रीफली उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पुराने एडिशन की बुक होगी, जाहिर सी बात है अब लॉकडाउन की वजह से जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी आप लोगों ने उनका इंतजाम कर लिया होगा। हालांकि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आपने लेटेस्ट एडिशन जो है वही यूज करना है। तो बहुत सारे बच्चों के पास अगर पुराने एडिशन की हुई तो काफ़ी पुराना, मतलब 2014-15 या 16-17 की या 15-16 की, तो उसके अंदर जो फौजी कब्जे की वजूहात हैं वो एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है 8 से 10 पॉइंट, ठीक है। वो अब जो नए एडिशन आ रहे हैं ना किस बुक के उसके अंदर ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये टॉपिक कम करवा दिया गया था काफ़ी जो है वो अर्सा पहले, तो इसलिए आप लोगों ने यही जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों ने यही जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा इसमें सबसे पहले तो अच्छा इसकी रीजंस बहुत सारी हैं, ठीक है, ये एक पूरी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा है कि अभी जो है वो ये हमारी क्लास है, कोई सियासी अखाड़ा नहीं है कि हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स पे बात करते रहें। क्लास के अंदर जो है वो कभी भी स्टूडेंट, ठीक है, आप इसके ऊपर अपना जो है वो राय दे सकते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद वाला काम हमने अपनी क्लास के अंदर नहीं करना। जब कभी हम स्कूल में इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर इस तरह का स्पेंड करूंगी जिसमें आप लोग अपने ऐसे कुछ जो भी क्वेश्चन हैं आपके माइंड में आप मेरे से कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी। बहुत सारी इसकी रीजनस हैं, बहुत सारी इसकी डिटेल अलग से भी है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर अभी उसने सिर्फ 2 रीज़न बताई हैं,
पहली उसने बताई है कि 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ जो थे इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो आयन था उसको मौत आयन को जो है वो इन्होंने एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आयन को मौतल किया और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब अगर आप वो पुराना एडिशन जिन बच्चों के पास है ना तो उसके अंदर ये सारी रीजन लिखी हुई है कि किस तरीके से जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब जो है ये बाहर किसी मुल्क के दौरे पर गए हुए थे और पीछे जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो, हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ कि जनरल जियाउद्दीन जो थे उनको इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद कर दिया था। अब ये गहरा ही नहीं था, एक टीचर की सॉरी एक चीफ की मौजूदगी में दूसरे चीफ को आप कभी भी नामजद नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी उसकी गैर मौजूदगी में, यानी कोई उसको नोटिफिकेशन नहीं दिया कि वो आज से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है या जो भी उनका उस वक्त चल रहा था टेनोर उसको खत्म किए बगैर ही जो है वो जनरल जिया को मुशर्रफ की जगह पर अपॉइंट कर दिया गया जबकि मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, ठीक है। फिर एक जो है वो प्लेन का भी इनका इंसिडेंट हुआ कि जब ये वापस आए तो इनका प्लेन लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो प्लेन काफी टाइम तक जो है वो फजा में गर्दिश करता रहा। उसके बाद कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो एयरपोर्ट का संभाला कुछ टाइम के लिए, कंट्रोल और परवेज मुशर्रफ का त्यारा जो था वो लैंड करवाया और फिर उसके बाद हुकूमत में और फौज में जो है वो टेंशन क्रिएट हो गई, 25 की जो थी वो बढ़ गई, इसलिए जो है वो फिर मुशर्रफ ने असम्बलियां तोड़ दी। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा काम हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने फैसले में जनरल परवेज मुशर्रफ को 3 साल का अरसा दिया कि वो आईनी और माशर्ती इस्लाहात लाए। अच्छा, उसके बाद परवेज मुशर्रफ का जो दौर था इसमें इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली की गई और मुकामी हुकूमतें बनाई गई, जिस तरह अयूब खान के दौर में हुआ था ना कि उन्होंने बीडी सिस्टम बनाया था, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, गवर्नमेंट को छोटे लेवल तक तकसीम किया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो जो हमने 9th में पढ़ा था। इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ ने भी जो है अपने दौर में इख्तियारात को निचली सतह तक जो है उनका इस्तेमाल किया था, जैसे मुकामी हुकूमत। अब सबसे पहले मुकामी हुकूमत होती क्या है, कहता है ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो मुकामी हुकूमत कहलाती है, मुकामी लोग ही मुकामी सतह की पॉलिसी बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उनको अपनी जवाब बनाते हैं। फिर आपको एक बार याद करवा देती हूँ, सबसे मेन गवर्नमेंट सेंटर में यानी फेडरल में, उससे नीचे सूबे के अंदर, सूबे से नीचे डिवीजन, डिवीजन जो होती हैं उसमें कुछ ज़िलों को इकट्ठा करके जो है वो एक डिवीजन बनाई जाती है, फिर डिवीजन से नीचे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ तहसीलें यानी एक बड़ा शहर जो होता है उसके अंदर जो है वो कुछ छोटे छोटे शहर शामिल करके उनकी एक इकाई की गवर्नमेंट बना दी जाती है, फिर एक तहसील जो होता है तहसील के अंदर कुछ यूनियन काउंसिल्स जो है कुछ देहाती काउंसिल जो है वो बना दी जाती है, मतलब देहात के लेवल पर के यूनियन के अंडर जो है वो कुछ देहात जो उसके लिए बनवा में आते हैं उनकी गवर्नमेंट कायम कर दी जाती है। जिस तरह जगह वाला तहसील जो है इसमें तकरीबन 112 गांव आते हैं, तो इस तरीके से ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो गवर्नमेंट को इस लेवल तक तकसीम किया जाता है, ठीक है, तो मुकामी सतह से मुराद ये जैसे एक गांव के अंदर मतलब यूनियन काउंसिल कायम की गई है, अब अगर वो गांव छोटा है तो 2-3 छोटे छोटे गांव मिलाकर एक छोटी सी हुकूमत कायम कर दी जो गई जो कि अपने तहसील काउंसिल के अंडर है, तहसील काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब गाँव के लोग जो है वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि उनके मसाइल क्या है, तो वो क्या करते हैं अपने से ही मुकामी लोग जो हैं वो उनकी सिलेक्शन होती है और फिर वो जो भी उनको हदायत मिलती हैं तहसील की तरफ से, जो बजट मिलता है, जो भी कुछ होता है उसके अंदर रहते हुए वो अपने इलाके के मसाइल को खुद बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला सिस्टम जो है ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए और इनको इख्तियार दिए जाएँ, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है
इसमें गवर्नमेंट बहुत छोटे लेवल तक तकसीम हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए वर्किंग करना आसान हो जाती है, लेकिन अगर सिर्फ इसके अंदर इख्तियारात बराए नाम ही हो जिस तरह बीडी सिस्टम के अंदर था, ठीक है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी चेन भी बिछाने का कोई फायदा नहीं होता अगर पब्लिक को डायरेक्ट इससे कोई फायदा ना हो। अच्छा, इसका जो है वो हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुई, तो मतलब ये मकामी हुकूमत जो थी ये कैसे स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले बरे सगीर में, यानी जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, तो बरे सगीर में 1884 में जनूबी एशिया में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट के जरिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफज किया था, और इसने जिला और तहसील की सतह पर मकामी बोर्ड कायम किए जिनके जुम्मे मकामी लोगों के मसाइल हल करना थे, लेकिन ये अदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियार थे और ना मसाइल थे। मतलब सिर्फ एक एक्ट उन्होंने बना दिया, एक सिस्टम नाफज कर दिया कि उसको जो है वो प्रोवेंशियल लेवल, फिर जिले, फिर तहसील लेवल तक लेके, ये मैंने पूरी एक आपको चेन बनाई है। वैसे आम अमूमन जो है वो गवर्नमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है सेंटर और प्रोविंस के अंदर, लेकिन फिर जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, तो उस या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको बोलते हैं, एक्चुअल जो इनके लिए वर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें फिर जिला और तहसील की लेवल तक जो है वो गवर्नमेंट को तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन अगर इनके इनको इख्तियारात ना मुहैया किए जाएं, इनको वसाइल ना प्रोवाइड किए जाएं, तो फिर जो है वो इतनी लंबी चेन बिछाने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। बड़े सगीर में तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1884 में। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये आया सदर अयूब खान के दौर में। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वो जो इनका बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम था जो 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया गया, ठीक है। इसमें पाकिस्तान को मुकामी हुकूमत का एक निज़ाम लागू किया गया था जिसे बुनियादी जमहूरियत या बीडी सिस्टम या बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम दिया गया था। इसका मकसद ये था कि इख्तियारात की निचली सतह तक जो है वो मुंतकिली कर दी जाए, अवाम के मसाइल का हल बुनियादी तौर पर वो अपने नुमाइंदों के जरिए ही करें। निज़ाम, लेकिन ये निज़ाम कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता। उसकी रीज़न ये कि एक तो ये जब हुकूमत अयूब खान की ख़त्म हुई तो साथ ही ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। अब जाहिर सी बात है, किसी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फिर उससे जो है वो मुकर्रर रिजल्ट्स लेने के लिए अरसा यानी टाइम पीरियड दरकार होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो है वो हमेशा से एक बदकिस्मती रही है कि 5 साल के लिए चूंकि गवर्नमेंट बनती है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट अपना टाइम अपना टेनोर पूरा कर पाती है, बाज़ औक़ात, और मैक्सिमम टाइम इसी तरह हुआ है कि गवर्नमेंट्स अपना टर्न और पूरा नहीं कर पाई, या तो वो 52B का शिकार हुई या मार्शल का शिकार हुई, ठीक है, या किसी भी मतलब कोई ना कोई हादसा जो है वो गवर्नमेंट के एंड पे जरूर हुआ। तो उसकी वजह क्या होती है, फिर जो नई आने वाली गवर्नमेंट होती है वो प्रीवियस पॉलिसीज को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती जिस तरीके से उसको बना दिया गया, बल्कि कुछ नई चीज़ उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। हमेशा जो है वो पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लेस के तौर पर ही समझा गया है कि इसको इसके अंदर तजर्बात ही होते रहे। हालांकि पब्लिक के रुझान को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी जामे पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ इस तरीके के रूल्स एंड जो है वो कवानीन बनाने चाहिए जो के लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, जो के मतलब इतना शॉर्ट टाइम के लिए ना हो। ऑलमोस्ट जो तक जो है वो 30-35 साल तो कम से कम चले ना, कोई मतलब सारा सिस्टम चले, वो चीजें स्ट्रांग हों, फिर उसके बाद अगर उसको लगता है कि भाई अब चेंज होने की जरूरत है, इनके अंदर कुछ इमेंड करने की जरूरत है, तो उसको जरूर किया जाए। अच्छा, बहरहाल आगे इसमें देखते हैं। फिर जिया साहब के दौर में भी जो है वो ये भुट्टो के दौर में भी रहा था, लेकिन उनके उन्होंने भी जो है वो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम उनके दौर में भी वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है। जिया के दौर में भी ये रहा, इंतखाबात भी 2 दफा हुए, मतलब ये जो नाजम नायब नाजम वगैरह होते हैं ना, ये वाले इनको कहते हैं मुकामी हुकूमतें। अभी आप लोग क्योंकि ये वर्ड सुनते रहते हैं इसलिए आपको इस तरह के हवाले देंगे, बिल्कुल सादा लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअल आपके साथ जो है वो डेफिनेशन वगैरह नहीं मैं शेयर कर रही होती, फिर आपको उन चीज़ों को समझ नहीं आती। अच्छा, मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 2 दफा करवाए गए थे। ये निज़ाम बुनियादी तौर पर, ये निज़ाम मजबूत बुनियादों पर जो है वो कायम हुआ, मरहला वार तरक्की भी इसने की, लेकिन अवाम की अक्सरियत को कोई भी खातर खाई से फायदा नहीं हुआ।
अच्छा इस सिस्टम की वजह से, अगर तो ये प्योरली काम करता है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को या कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो और ये तरक्की, मतलब ये सही तरीके से काम ना करे, तो इससे आवाम को कोई तरक्की नहीं होती, उल्टा आवाम को इसका ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा अब ये लोकल गवर्नमेंट प्लान जो था, जो मुशर्रफ के दौर की हम बात असल में कर रहे थे, तो उसने थोड़ा सा हिस्ट्री बता दी कि भाई इस तरह ये चलता आ रहा था, लेकिन किसी भी दौर में जो है ये कामयाब नहीं रहा था। पाकिस्तान में भी नहीं रहा, और जो जिस तरह बरेसगीर के अंदर जब ये लॉन्च किया गया तो वहां पर भी ये नहीं उस तरीके से कामयाब हो सका। अच्छा अब इसमें देखिए लोकल गवर्नमेंट प्लान जो है 2000 का यानी सन 2000 का, मुशर्रफ की हुकूमत ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत संभालने के बाद मकामी हुकूमतों का निज़ाम वाज़ेह किया और तब्दीलियां लाने का वादा किया कि इक्तदार आवाम की निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, और तीन हिस्से इन्होंने बताए जी, यूनियन हुकूमत बनेगी, फिर उसके ऊपर तहसील हुकूमत होगी, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, फिर एज इट इज प्रोविंशियल, और फिर वो सेंटर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनियन हुकूमत थी वो क्या थी? यूनियन हुकूमत जो है ये इसके अंदर कौन कौन शामिल होगा? यूनियन नाज़म यानी जो हेड होगा उसका, फिर नायब नाज़म, फिर यूनियन की एक पूरी काउंसिल होगी यानी जितने लोग इसमें शामिल होंगे एक पूरी असम्बली की तरह। ठीक है, पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली बोलते हैं यहाँ पर, उन्होंने काउंसिल कह दिया, और यूनियन इंतजामिया। ठीक है, अब यूनियन काउंसिल के अवाम जो होगी वहां पे वो यूनियन काउंसिल के अरकान का इंतखाब करेगी। ठीक है, अब ये यूनियन काउंसिल पता कहाँ पे कायम होगी? मतलब एक गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, अगर गांव छोटा है तो दो तीन गांव मिला के उनकी एक यूनियन काउंसिल होगी। अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा, आप लोगों को भी जहन में होगा अभी इलेक्शन वगैरह गुजरे हैं तो वो जो यूसी नंबर लिखा होता है, ठीक है, अब जो है वो अक्सर आप लोग न्यूज पेपर भी पढ़ते हैं तो बाजू का उन्होंने यूसी नंबर की बात की, तो यूसी नंबर का मतलब यूनियन काउंसिल ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आप लोग इन वर्ड्स से फेमिलियर होंगे, इन ये चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी। अच्छा उसके बाद देखें, इन्होंने ये मुशर्रफ के दौर की बात हो रही है, ये आज जो है वो ये इमरान खान के दौर की बात नहीं हो रही। ठीक है, मुशर्रफ का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं, उनके दौर में ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा था। तो इन्होंने कहा जी जो यूनियन काउंसिल हम बनाएंगे उसमें जो उसकी काउंसिल होगी उसके अंदर 15 अरकान होंगे यानी 15 लोग शामिल होंगे, एक उसमें नाज़म होगा, एक नायब नाज़म होगा, 4 मर्द होंगे जनरल काउंसिलर, 4 ख़वातीन होंगी। ठीक है, और उसके बाद 2 मर्द जो हैं वो किसानों के और मजदूरों के जो है वो नुमाइंदे होंगे लेबर से होंगे। ठीक है, और 2 ख़वातीन किसान और मजदूर काउंसिलर में होंगी, और एक उस इलाके में अकलियती काउंसिलर यानी जो गैर मुस्लिम होगा, जो गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करेगा। तो इस तरीके से ये पूरी एक असम्बली बनेगी। अच्छा अब ये इनका काम क्या करना होगा? अपनी हदूद के अंदर यानी अपने जो इनको इख्तियार दिए गए हैं, जो वसायल दिए गए हैं, और जितना इलाका इनका है वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। मतलब अब आप देखें, जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारा गांव भी है, ठीक है, तो या आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है वो गाँव से ताल्लुक रखते होंगे, तो गाँव में अक्सर ये होता है कि जो यूनियन काउंसिल होती है या जो हमारे होते हैं जो गांव के बड़े होते हैं, ठीक है, वो मिलके एक कमेटी बना देते हैं गांव के लिए, डिफरेंट काम वो करते हैं, मतलब गांव के अंदर हफाजती सिस्टम जैसे पहरा वगैरह लगाते हैं, ठीक है, फिर गांव के अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, फिर उसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत जमीनों के जो मसाइल होते हैं, जो आप बयाननामा जो होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आती है, कोई फंड्स आते हैं, कुछ भी होता है, उस सारे के अंदर अपने गांव को मैनेज करना। ठीक है, तो ये गांव के अंदर ये जो यूसी वगैरह बने होते हैं वहीं के मकामी लोग होते हैं, वो सारे इसको डील कर रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी का निज़ाम ये होता है कि लूट मार का इंतजाम ना हो, वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसके साथ उनके जो है वो पुलिस जो है उनकी कारकर्दगी पर उनकी नज़र हो, उनके साथ वो तावन करते हों। ठीक है, और
गांव की बेहतरी के लिए जो भी उनको स्टेप लेना पड़े वो लेते हैं, ठीक है। तो अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, फिर मकामी सतह पर टैक्स लगाना, ठीक है, बुनियादी नोयत के फौजदारी दीवानी खानदानी तनाजात, मतलब ये जमीनों के और इससे रिलेटेड जितने भी हैं, या खानदान बाज़ुकात होता है कि किसी ना किसी गांव में, बाज़ुकात क्या बल्कि अक्सर ही पाकिस्तान के इस तरह के गांव हैं, सिंध के अंदर भी पंजाब के अंदर भी, जिनमें खानदानी दुश्मनी से तैयारी होती है, ठीक है, लोगों के आपस के मसाइल, फिर ये जो डिवोर्स या फिर जो है वो जिस तरह निकाह नामा भी रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, और डिवोर्स को भी जो है वो जमा करवाना पड़ता है, फिर जिस तरह ये बर्थ सर्टिफिकेट भी देने पड़ते हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, ये सारा रिकॉर्ड ही होता है एक तरह का। तो हर चीज को मेंटेन जो है वो ये अपनी सतह पर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अपनी सतह पर इन्होंने ये सारा काम करना होता है। उसके बाद इनके ऊपर होती है तहसील हुकूमत। तहसील हुकूमत जो है ये, इसके अंदर तहसील नाजम, यानी अब जिस तरह तहसील नाजम, तहसील नायब नाजम, ठीक है उसका, और तहसील कौंसल और तहसील इंतजामिया पर मुश्तमिल होगी। तहसील नाजम और नायब नाजम जो है वो कम से कम मैट्रिक उनकी तालीम होनी चाहिए, ठीक है। मुशर्रफ के दौर में दो चार चीजें बड़ी अच्छी हुई थी कि इसने जो है वो एक एम एल ए जो होगा, मतलब जो कौमी असम्बली का मेम्बर बनने का दावा करेगा, जो या जो एम पी ए होगा वो कम से कम बी ए उसने किया हो, ग्रेजुएशन की, और जो इस तरह गाँव के लेवल पर हो वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। सारी सी बात है, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, अब इसमें इनका इंतखाब तहसील में मौजूद तमाम यूनियन काउंसलर्स मिलकर करेंगे, ठीक है। तहसील नाजम तहसील हुकूमत का इंतजामी सरबराह भी होता है। अच्छा, मतलब जो तहसील के काउंसल के अंदर जो है जितने भी अरकान होंगे ना, वो मतलब अपने में से या जो जो भी उसका तरीकाकार एक रखा गया उसके मुताबिक जो है वो नाजम और नायब नाजम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब तहसील काउंसल के अंदर कौन लोग शामिल होंगे? तहसील की जितनी भी यूनियन काउंसिल होंगी ना, मतलब उसके अंदर जितने देहात वगैरह या कस्बों के अंदर जो यूनियन काउंसिल बनी होंगी, वो 10 हैं, वो 20 हैं, वो 50 हैं, वो 100 हैं, उन सब के जो नायब नाजमीन होंगे वो तहसील काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है। और मतलब कोई अलग से उसको नहीं चूज करेंगे, वो सारे के सारे तहसील काउंसिल के मेंबर होंगे। तहसील काउंसिल में 33% नशिस्तें औरतों के लिए, 5% किसानों और मजदूरों के लिए, और 5% अकलियतों के लिए मखसूस होंगी, ठीक है। इसी तरह तहसील हुकूमत का जो हेड होगा वो नाजम ही होगा, और उसके तहत एक म्यूनसिपल ऑफिसर यानी TMO, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर काम करेगा, ठीक है। और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर जो होगा वो आगे 4 अपने साथ TOs रखेगा, तहसील ऑफिसर, जो कि अपनी तहसील के तमाम कामों को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर देंगे, और फिर उसके बाद वो उन शोबों की निगरानी करेंगे, वहाँ पे काम करवाएंगे और रिपोर्ट देंगे TMO को, और फिर TMO और नाजम जो है वो आगे फर्दर इसको मैनेज करेंगे। अब वो कौन से शोबे होंगे, उनमें मालियात, बजट, अकाउंट, जमीनों का इस्तेमाल, मनसूबा बंदी, दही शहरी मनसूबा बंदी, म्यूनसिपल रबता, दर्जा बंदी, मतलब यही छोटे छोटे काम जो डेवलपमेंट के लिए या जो बेहतर तौर पर गवर्नमेंट को सर्व मुल्क को सर्व करने के लिए जो होते हैं, पब्लिक को सर्व करने के लिए वो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर होगी जिलाई हुकूमत। अब जिलाई हुकूमत जो है इसके अंदर जिले का नाजम और नायब नाजम होगा, जिले की काउंसिल होगी और जिले की इंतजामिया होगी। एक जिले के अंदर तमाम यूनियन काउंसिलों के नाजम जिला काउंसिल में शामिल होते हैं, ठीक है। अब ऊपर उसने नायब नाजमीन तहसील के अंदर रखे, जिले के अंदर वो नाजमों को ले आया। तो जिला काउंसिल की कुल तादाद का जो 33% है वो खवातीन के लिए, और 6% किसानों और मजदूरों के लिए, और 5% अकलियतों के लिए, ठीक है। ये वही मतलब कोटा का थोड़ा सा गौर करें, सेम चीजें हैं सारी, आप थोड़ा सा जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब एक जिले से जो मुंतखब होने वाले जितने भी यूनियन काउंसलर होंगे और नायब नाजम और जिलाई नाजम और नायब नाजम का इकट्ठा इंतखाब करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिलाई नाजम जो है वो तमाम इख्तियारात का सरबराह होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, इंतजामिया है, वो उसको जवाबदेह होगी, ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके अंदर जितनी भी सियासी तौर पर जो लीड करना है वो जिले नाजम ही सारा करता है और अपने जिले की जरूरियात रखी और खुशहाली का जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम मैनेज करना ये उसकी जिम्मेदारी। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलें भी आएंगी, उन तहसीलों के अंदर जो देहात होंगे सारा, यानी ओवरऑल जो जिला होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिले का जो इंतजाम है वो जिले राबता ऑफिसर यानी DCO के जरिए चलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जिले की इंतजामिया मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल होती है, हर महकमे का सरबरा जिले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी EDO कहलाता है, यानी तहसील में था TMO और TO और डिस्ट्रिक्ट में आ गया DCO और EDO, ठीक है। तो जिले इंतजामिया जिले के लिए कवायद और सवाबत बनाती है, मुख्य प्रोग्राम और बजट बनाकर जिले नाजम और जिले कौंसिल की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद करवाती है, जिले के हदूद के अंदर वफाकी और सबाई कवानीन पर अमल करवाती है, टैक्स की फहरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाती है, कमी पेशी का इख्तियार रखती है। यानी इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है तो उन्होंने फैसलाबाद, नो, इसके अंदर जितना भी सारा एरिया आएगा वो सारे का सारा ये कवर करें, ठीक है जी। आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इम्पोर्टेंट भी है, इसके अंदर काफी सारे MCQs भी बन रहे हैं आपके, तो आपने मेरा बेटा इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और कल इंशाल्लाह फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नमाज पढ़ के मेरा बेटा दुआ जरूर किया करें, अल्लाह ताला से जरूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस मुश्किल वक्त से निजात दे दे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।